29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर प्रदेश में सबसे बड़े ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हो रहा है। ग्रामीण ओलंपिक में कबड्डी, टेबल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग बॉल और खो खो खेला जाएगा। खेल परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया खेलों के आयोजन को लेकर बैठकें ले रही हैं। इसी बीच हमारे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा ने खेल परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया से खास बातचीत की। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कृष्णा पूनिया ने कहा, इस आयोजन से प्रदेश में खेलों का नया माहौल बनेगा। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं, जरूरत है तो उनको तराशने की। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देश में पहली बार अनूठे तरह का खेल आयोजन हो रहा है और इसकी मेजबानी कर रहा है राजस्थान। ग्रामीण ओलंपिक खेल के नाम से आयोजन हो रहा है, इसमें बच्चे से लेके वृद्ध तक हर कोई खेलेगा। खेल परिषद किस तरह से इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम होगा, खेल परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कृष्णा जी, बड़ा ही अनूठा ये आयोजन है ग्रामीण ओलंपिक खेल, किस तरह की तैयारियां है, आज आपने मीटिंग भी ली है, क्या रहा पूरी मीटिंग में? नरेश जी, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो है 29 अगस्त से होने जा रहा है और लगभग 30 लाख के करीब हमारे एथलीट पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आज सभी DSOs के साथ हमारी मीटिंग थी, हम टीमें गठित कर रहे हैं। किस कई बार क्या है कि एक गांव में मानो ज़्यादा खिलाड़ी राजस्व रिकॉर्ड में हैं, वो ज़्यादा आए हैं, किसी गांव में कम आए हैं, तो वो टीमें सभी बच्चे खेलें, उस हिसाब से डायरेक्शंस दी गई हैं कि टीमें सभी बच्चों की बने और किस तरीके से कौन किस किस का सहयोग हमें लिया जाएगा, शिक्षा विभाग का है, पंचायती राज का है, तो आज डायरेक्शंस सभी को दी हैं और इन सबसे ये डिटेल आज ली गई है। किस तरह आयोजन होगा कृष्णा जी, बड़ा आयोजन है और लाखों खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं और खेलों में भी कहें कि एक राजस्थान में माहौल बने उसका प्रयास है, तो खुद खेल परिषद जो है वो किस तरह के प्रयास इसमें कर रही है? नरेश जी, मुख्य उद्देश्य जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक कराने का, एक यही कारण है कि राजस्थान में हम खेलों को आगे बढ़ावा कैसे दें या गांव से ढानी ढानी से बच्चा खेलों में आगे कैसे आए। हाल ही में जो बर्मिंघम में हमारे कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आज हमारा इंडिया कितने पदक जीत रहा है, वो माहौल हम राजस्थान में देना चाहते हैं और इसी के लिए हमने इनका आयोजन किया जा रहा है। आज की जो मीटिंग है कि ग्राम पंचायत में ये जो गेम होने जा रहे हैं, हर बच्चे का पार्टिसिपेशन जरूरी है, उसके दिमाग में जाना चाहिए कि ये गेम क्यों हो रहे हैं, राजस्थान सरकार खेलों के लिए क्या कर रही है। आज नौकरियाँ हम दे रहे हैं, बच्चों को प्राइज मनी हम दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो भविष्य सुरक्षित है बच्चों का और ये एक ऐसा फील्ड है जब हम अपने युवाओं को इसकी तरफ मोड़ते हैं तो देश के लिए पदक तो जीतता ही है और दूसरा ये है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट भी सोसाइटी में जाता है। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम खेलों में हमारे प्रदेश में प्रतिभाएँ बहुत हैं जिन्होंने ओलंपिक में भी मेडल जीता है, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ में भी मेडल जीते हैं, बस उन्हें तराशने की ज़रूरत है और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे क्रीड़ा परिषद, माननीय खेल मंत्री महोदय, हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान को खेलों में अव्वल लेकर आए। कृष्णा जी, युवा प्रतिभा है और इसके माध्यम से इनको तलाशा भी जाएगा, आपका कहना ठीक है, लेकिन चूंकि खेल की एक उम्र होती है और इसमें चूंकि 60-70 साल के लोग भी खेलेंगे, तो कहीं इस बात की चर्चा है कि ये आयोजन है राजनीतिक लाभ के लिए कहीं ज़्यादा नहीं है बजाय कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए? नरेश जी, मैं ये सवाल आपसे इसका जवाब मैं देना चाहूँगी। जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो गेम्स के कई इवेंट्स ऐसे थे जिसमें देश हमारा जानता ही नहीं था। मेरा इवेंट भी मैं कहूँ डिस्कस करो तो बहुत सारे सवाल लोग मुझे करते थे, डिस्कस करो क्या होता है। आज राजस्थान के प्रत्येक गाँव में वो खेलने जाएगा तो एक माहौल क्रिएट हम करना चाह रहे हैं। इसके माध्यम से राजस्थान सरकार क्या आपके बच्चों के लिए कर रही है वो संदेश भी देना चाह रहे हैं ताकि वो खेलों में आगे बढ़े। और जैसा कि मैं बताऊं आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाँव होंगे जिसमें ये भी नहीं पता होगा कि राजस्थान सरकार खेलों के लिए क्या कर रही है, इसके माध्यम से हम उन खिलाड़ियों को जागरूक करना चाह रहे हैं, उन माता पिता को जागरूक करना चाह रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों को खेलों में आगे भेजें। बिल्कुल, तो वो जागरूक किया जा रहा है और प्रतिभा को तलाशा जाएगा और राजस्थान सरकार खेल परिषद ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करने जा रही है। 29 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी और माना यह जा रहा है कि देश में ये पहले अपने आप का एक अनूठे तरह का खेल आयोजन होगा। कैमरामैन विनोद के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।